नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं कि आज के भागदौड़ जिंदगी में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज से परेशान रहता है और परेशान होने की वजह से वह अपनी समस्याओं में इतना घिर जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक है या नहीं। और कभी कभी इंसान इतनी ज्यादा समस्याओं से घिरे होने की वजह से कुछ न कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है कि जादू और टोटके हम सभी जानते हैं और सभी ने देखा भी है। किसी भी बच्चे को या कभी भी नजर लग जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो उसे बच्चा रोना शुरू कर देता है या फिर बच्चा ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें इन चीजों से पता नहीं चलता कि बच्चे को हुआ क्या है, क्योंकि अक्सर जब भी बड़े बच्चे को देखते हैं कि बच्चा घबरा रहा है, डर रहा है या फिर बच्चा रो रहा है तो उससे ये ज्यादा अंदाजा लगा लिया जा सकता है कि बच्चे को जरूर नजर लग गई होगी। लेकिन नजर उतारने के भी अपने एक तरीके होते हैं। यदि आपके बच्चे को भी नजर लग गई है और आपको पता चल चुका है कि आपके बच्चे को नजर लग गई है तो उसको उतारने के कई अच्छे तरीके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे बच्चे की नजर उतर जाएगी और आपका बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नंबर एक, आप लाल मिर्च ले सकते हैं। लाल मिर्च लें और उसे एक कंडी गर्म करने के बाद उस पर लाल मिर्च के दानों को अच्छे से डाल दें और जब वह दाने चट चट की आवाज करने लगे तो उस नजर लगे हुए बच्चे के आसपास या रोगी के पास उसके 7 बार उतार दें। 7 बार उतार सकते हैं, 21 बार उतार सकते हैं और आप इस कार्य को शुक्रवार और शनिवार को कार्य कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यदि शुक्रवार और शनिवार को आप नजर उतारते हैं तो उस बच्चे की नजर जल्दी ही उतर जाती है। नंबर दो, यदि आपके बच्चे को नजर लगी है, आप अपने आसपास के प्राचीन मंदिर में जाइए और प्राचीन मंदिर में जाने के बाद हनुमान मंदिर में आप प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए और हनुमान मंदिर के हनुमान से कंधे पर से आप थोड़ा सा तिलक लीजिए और जो भी रोगी है या फिर जिस व्यक्ति को भी नजर लगी है उसे वह तिलक लगा दीजिए। ऐसा करने से भी नजर जल्दी ही उतर जाएगी। नंबर तीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को नजर लगने पर या फिर किसी बड़े को भी नजर लग जाती है तो वह जल्दी ही खाना पीना छोड़ देता है या फिर उसके जीभ पर ऐसा स्वाद नहीं रहता जिसकी वजह से वे खाने को मन से खाए। कभी कभी हम जबरदस्ती करके खिला तो देते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को जबरदस्ती करने पर खिलाने पर वह थोड़ा सा निवाला खाने के बाद फिर से छोड़ देता है या फिर खाने की इच्छा होती ही नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ है तो ये भी कारण हो सकता है नजर का। अगर ऐसा है आप उसके लिए पत्ते लेकर आइए, कोई से भी पत्ते चलेंगे, उस पत्ते पर गंगाजल छिड़क कर जहाँ पर आप भोजन करते हैं उस जगह पर जितने सदस्य हैं आपके उन सदस्यों के हिसाब से आप पत्तों को आराम से रख दीजिए और रखने के बाद उन पर गुलाब जल छिड़क दीजिए और फिर आप खाना खा लीजिए। तो खाना खाते समय आपको जो बुरी नज़र है वह दूर ही रहेगी और आपका पेट भी भर जाएगा। नंबर चार, यदि आपको नजर लग चुकी है तो आप उसके लिए सबसे अच्छा उपाय कर सकते हैं कि आप गुलाब की पंखुड़ियां लीजिए। गुलाब की पंखुड़ियां साथ होनी चाहिए। गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर आप पानी में रख दीजिए और पानी में रखने के बाद उस व्यक्ति जिसको नजर लगी है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या फिर 11 बार उतारने के बाद उसे किसी पानी में बहा दीजिए। ऐसा करने से भी बच्चे की या फिर जो भी है रोगी उसकी जल्दी ही नजर उतर जाएगी। यदि आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नजर लग चुकी है तो ये आसान से उपाय हैं। यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर से ये बुरी नजर जल्दी ही हट जाएगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।